मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पटवारी संघ ने मांग रखी है कि मुआवजा पत्रक भरने के लिए उन्हें समय अवधि दी जाए। वहीं कृषकों के दस्तावेज जांचने और उन पर कार्य करने के लिए पटवारियों को संसाधन उपलब्ध कराए जाए और कार्य के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाए। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के संभाग अध्यक्ष योगेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि यदि पटवारियों की मांग पूरी नहीं की गई तो वह भविष्य में और बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। श्रीवास्तव के मुताबिक काम में लापरवाही के चलते दो पटवारियों को निलंबित कर दिया गया था, जबकि संसाधनों की कमी और बिना प्रशिक्षण के काम करने के चलते हमसे गलतियां हो सकती है। मुहावरा पत्रक भरने के लिए समय अवधि की मांग रखी है और काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। इस दौरान पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष अशोक वाजपेयी, जिला अध्यक्ष लोकेश बेतव सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष पटवारी गण मौजूद रहे। आज जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं कलेक्टर साहब से मिलने वाले हैं, किन मांगों को लेकर मिलने वाले हैं? मैडम, आप आज हम लोग हमारे ना जो पटवारी लोग काम कर रहे हैं और उनको काफ़ी दबाव में काम किया जा रहा है, हमको बहुत कम समय दिया जा रहा है। जो CM किसान के और PM किसान और क्षति पत्रक के लिए हमारे हम लोग काम कर रहे हैं, जो किसान इतने सी काम है लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमको समय कम दिया जा रहा है और इस समय कम देने के कारण कुछ पटवारियों का जो वर्क है, जो प्रोग्रेस है, वो थोड़ी कम आई है। तो हमारे दो पटवारी साथियों को निलंबित किया गया है, जबकि हमारे को कोई संसाधन नहीं दिया गया है, कोई डाटा के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है और यहाँ तक कि हमारे को व्यवस्थित ट्रेनिंग भी नहीं दी गई कैसे क्या काम करना है और क्यों करना है। हर वक्त हम कोई काम करते हैं, किसी प्रारूफ हमको दिया जाता है कि 24 प्रारूफ के अंदर आप काम कीजिए, हम वो काम कंप्लीट करते हैं तो उसके दो दिन बाद ही हमको चेंज कर दिया जाता है कि नहीं, अब आप 28 प्रारूफ में कीजिए, फिर 28 में करेंगे तो 30 में कीजिए। और ये सब काम हमको तत्काल करने के लिए कहा जाता है और तत्काल में भी समय की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग कहते हैं काम हम कर रहे हैं क्योंकि किसानों के लिए मुआवजा पत्रक बना रहे हैं और लगभग 80-90% पूरे जिले के अंदर काम हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथियों को निलंबित किया गया है, दो साथियों को, और इतनी कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि जो डाटास वगैरह है उसमें हमारी ये समस्या आती है कि कुछ किसान जो हैं जिनकी ज़मीन किसी दूसरे गांव में रहती है, निवास कहीं और करते हैं। अब हमारे को जो जहाँ पे ज़मीन है वहाँ के किसान, वहाँ के पटवारी के पास ही उनका रिकॉर्ड रहता है लेकिन निवास कहीं और रहते हैं, तो उस पटवारी को उनकी जगह पर जाके उनको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि व्यवसायिक ज़मीन है, इनकम टैक्स पे ही हैं, उद्योगपति हैं, क्या इन लोगों को से डाटा मांगने जाते हैं, आधार कार्ड, समग्र ID, बैंक अकाउंट नंबर, तो ये नहीं देते हैं, देने में आनाकानी करते हैं, लेकिन हमारे को अधिकारी द्वारा कहा जाता है कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, लेके आइए। ये कहा कि दो कर्मचारी थे, अपने पटवारी थे, जो एक इंदौर तहसील, कर्नाड़ा तहसील के, और एक जयपालपुर तहसील से हैं। ये आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? नहीं, हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, कलमबंद हड़ताल करेंगे। आपके साथ कितने लोग अभी कौन से तहसील से? हमारे यहाँ पे पूरे इंदौर जिले के सारे पटवारी यहाँ पे उपस्थित हैं, 300 पटवारी उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ से अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हमने पूर्व में भी समय मांगने से जो परेशानी आ रही है इसकी हमने अवगत करा दिया गया, कलेक्टर साहब को पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिया गया है, लेकिन उस ज्ञापन का कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। हमारे ऊपर आज भी दबाव दिया जाएगा। काम में कितना प्रभाव पड़ेगा? आप आंदोलन करते हैं तो जो काम है, कार्य है, उसमें कितना प्रभाव? हम आंदोलन करेंगे तो पूरे ही काम में प्रभाव पड़ेगा, किसानों के सारे काम में प्रभाव पड़ेगा। अशोक वाजपेयी, जिला अध्यक्ष, इंदौर पटवारी संघ। ब्यूरो रिपोर्ट, KNN न्यूज।